तो आप लोग कमेंट में भी शेल्बी का नाम लिख के सपोर्ट शो करें ताकि पता लगे कि आप लोग एक्साइटेड हैं इस प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, सुनना चाहें तो सुन लें। तो आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सबाहत अहमद खान, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि हम YBR का स्पीड टेस्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने टॉप स्पीड चेक करनी है बिफोर वी डू एनी अदर अपग्रेड्स, क्योंकि अभी तक हमने जो अपग्रेड किए हैं उसमें इसकी 5 क्लच प्लेट्स हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मली 4 आती हैं तो हमने 5 पे अपग्रेड किया है। उसका बेनिफिट ये है कि वो इंजन से मैक्सिमम पावर निकालता है। ठीक है, तो वो आपको अच्छी पिक देता है। फिर हमने एयर फिल्टर निकाल के मॉक्सी फिल्टर्स लगाए हुए हैं जिनको स्पोर्ट्स फिल्टर भी कहते हैं, ताकि हमें मैक्सिमम एयर मिल सके। हमने एयर डक्ट निकाला हुआ है, हमने ऐसी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है, तो हमने एयर वाला काम जो है कंप्लीट किया हुआ है कि बाइक जो है बिल्कुल फ्री फ्लो होकर जाए, बिल्कुल उसको कोई टेंशन ना हो, कोई रुकावट ना हो। उसके अलावा अभी जो इसका कार्बोरेटर है वो बिल्कुल चोक है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टैंक था वो जंग आलूदा था, तो जंग की वजह से कार्बोरेटर में भी बहुत सारा गंद गया और उस वजह से इसकी पिक एवरेज और एसेलरेशन सब कुछ ख़राब हुआ है। लेकिन हम फिर भी इसका स्पीड टेस्ट करेंगे और उसके बाद जब कार्बोरेटर क्लीन करवा लेंगे तो फिर हम एक और स्पीड टेस्ट करेंगे ताकि हमें उसका डिफरेंस पता चल सके। क्योंकि जब हम बाइक लेके आए थे तो ये 100 भी नहीं टच कर रहा था स्पीडोमीटर के ऊपर। कितनी इंप्रूवमेंट्स आई है ये मॉड्स करवा के और फिर मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अभी चलते हैं सीधा 7th एवेन्यू पे, वहां पे टेस्ट करते हैं इसको एक दफ़ा। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, बेल आइकन प्रेस कर लें और लेट्स गो। लेकिन उससे पहले एक मैं छोटी सी डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ। अगर आप वीडियो को स्किप करना चाहते हैं मर्जी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सुनना चाहें तो सुन लें। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, शॉर्ट आपसे बात करूँगा। तो आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, और कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं जो नए व्यूवर्स होते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरा मसला आया तो वो कहेंगे YBR है ही ऐसा और YBR किसने कहा था लेने को। तो भाई अगर आपने नहीं देखा मेरा चैनल तो आप मेरा चैनल जाके देख लेंगे 2 साल से मैं क्या काम कर रहा हूँ और मेरा ये काम करने का क्या मकसद है। नंबर 2, कुछ लोग हैं जो पुराने व्यूअर्स हैं। ठीक है, अब पुराने व्यूअर्स क्या हैं कि उनको नजर आता है कि मैं मसलों में फंसा रहता हूँ। ठीक है, अब बात यह है कि मसले हर बंदे के आते हैं। ठीक है, हर बंदे के पास बाइक है और हर बंदे के पास ये मसले आते हैं, और ये मेरे से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा इनबॉक्स सारा दिन भरा रहता है कि ऐसे बात भाई हमारा ये मसला है, ऐसे बात भाई हमारा ये मसला है। जो मैं वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो पे मुझे मैसेज आते हैं कि हमारा भी ये मसला है। अब बात यह है कि हर कोई डिस्क्लोज नहीं करता, हर कोई यूट्यूब पे नहीं डालता। ठीक है, मेरे मसले ज्यादा क्यों आते हैं, क्योंकि मैंने एक यूज मशीन ली है, 5 साल पुरानी मशीन है। अब एक और चीज ये है कि जिन भाई से मैंने बाइक ली है तो उनके मुताबिक बाइक जो है A1 कंडीशन में था, इवन दो उन्होंने कोई साल से उसको धोया नहीं था। ठीक है, 6 महीने से कोई ऑयल चेंज नहीं हुआ था और अकॉर्डिंग टू हिम बाइक वॉज इन गुड कंडीशन। और जब मैंने उनको कहा कि यार इसमें ये मसले हैं, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मसले हैं ही नहीं। तो ये एक और पार्ट है जो कंसर्निंग है कि लोगों को मसले लगते ही नहीं है, वो इग्नोर कर देते हैं उनको। ठीक है, वो कहते हैं यार ये तो कोई मसला ही नहीं है। अब मैं जब प्रोजेक्ट करता हूँ ना तो मैं फिर परफेक्शन ढूंढता हूँ। ठीक है, मुझे एक एक मसला जो है वो खटक रहा होता है कि यार ये चीज ऐसे क्यों हो रही है। मुझे छोटी से छोटी आवाज भी आए ना तो मुझे टेंशन होती है कि यार क्यों आ रही है आवाज। तो मैं उस पर काम करता हूँ और उस पर वीडियो बनाता हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि यार ये मसला इस तरह आता है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। और उससे हजारों लोगों की हेल्प होती है और उससे मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है और मोटिवेशन मिलती है कि यार मेरी वजह से किसी की हेल्प हो रही है। तो बात ये नहीं है कि मेरे मसले ज्यादा आते हैं, मैं पनौती हूँ। बात ये है कि हर कोई बताता नहीं है, मसले हर किसी के आते हैं। ठीक है, आप नई मशीन लेते हैं, मैंने अब नया YBR लिया था, उसमें मेरे 2-3 मसले आए थे। एक वो डबल स्टैंड का इशू था, डबल स्टैंड उसको बहुत जल्दी टेढ़ा हो गया था। ठीक है, विच इज अ जेन्युइन इशू कि यार नए मॉडल्स की क्वालिटी जो है बिल्कुल डेड है। उसके बाद टैंक पे स्क्रैचेस आना और इस तरह के मसले थे, लेकिन उसमें कोई मेजर इशू नहीं था। दूसरी चीज ये थी कि मैं नए मैकेनिक से हाथ मैं नया नया बाइक पे स्विच किया था, तो नए मैकेनिक्स के हाथ लगे थे और नए बाइक की परफॉर्मेंस को उन्होंने बिल्कुल डेड कर दिया था। जब मैं यूज हुआ तो फिर मैं अच्छे मैकेनिक के पास गया, उनसे मैंने परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाई और आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखा, बहुत टाइम लगा के बहुत कुछ सीखा। तो उससे अब लोग भी सीख रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे वो मसले आते रहेंगे और आपको वो दिखते रहेंगे ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो और मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ता रहे। सो एक छोटी सी बात मैं करना चाह रहा था, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, बट आपको जल्दी से लेके चलते हैं स्पीड टेस्ट पे और लेट्स सी बाइक कैसा परफॉर्म करता है।
जस्ट हैविंग सम फन, और टायर इसका चेंज होने वाला है तो मैंने कहा ज़ाया नहीं होना चाहिए, यूज़ में आना चाहिए। और अभी जो है ना काफ़ी इसका बड़ा वर्क हो गया, काफ़ी अच्छी कंडीशन हो गई है इसकी, साफ़ हो गया टायर। ओके बॉयज, तो स्पीड टेस्ट करके हम वापस आ चुके हैं, और जैसे कि आपने देखा कि बाइक मीटर के ऊपर 120 टच कर रहा था, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू। जो मीटर बता रहा होता है उससे मिनिमम भी ना 7-8 किलोमीटर कम ही होती है स्पीड, तो स्पीड मीटर पर हम इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन 120 टच कर रहा है मीटर पे, पहले मीटर पे भी 100 नहीं टच कर रहा था, तो आप सोचेंगे मतलब कि 90 तक जा रहा होगा बाइक, तो अभी होगा अराउंड 110-112 इस तरह जा रहा होगा। तो इससे ज़्यादा और भी इम्प्रूव करना है हमने, ठीक है। अभी इसका कार्बोरेटर का काम करेंगे, इसकी सफाई सफाई करवाएंगे ताकि हमें जो है मैक्सिमम स्पीड मिल सके। और अगर ये 130 और 135 तक जाता है मीटर पे, इसका मतलब है हम 120 प्लस अचीव कर रहे हैं, सो दैट विल बी अ गुड नंबर, और इम्प्रूवमेंट होगी, पता लगेगा यार कोई काम किया तो उसका हमें आउटकम भी मिल रहा है। तो आप लोग मेरी वीडियोस फॉलो करें इंशाल्लाह, और मज़े के अपग्रेड्स करेंगे, आपको परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट्स दिखाएंगे। लेकिन हो सकता है कि मैं टायर्स भी चेंज करूँ, अभी टायर्स छोटे हैं तो थोड़ा बहुत फर्क जरूर आएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा, उसको हम इतना काउंट नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कार्बोरेटर साफ करवाते हैं, ठीक है, आपको दिखाते हैं कि अंदर उसकी क्या सूरत हाल। बाकी बहुत सारे मॉड्स रहते हैं, और हमने शेल्बी को शेल्बी बना के छोड़ना है। अभी जो वाईबी आ रहा है इसको हमने शेल्बी में कन्वर्ट करना है। शेल्बी जो है बड़ा अच्छा नाम मुझे लगा, बड़ा कैची सा है। सो आप लोग कमेंट में भी शेल्बी का नाम लिख के सपोर्ट शो करें ताकि पता लगे कि आप लोग एक्साइटेड हैं इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए, और ये जब तैयार हो जाएगा फिर मजा आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फीडबैक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज। Damn, it's gonna be a long night. Yeah.